वो तो गाइस कैसे आप सब, मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हो शुभम गेमर। तो गाइस आज मैं एक चैलेंज लेके आया हूँ सारे हमारे इंडियन कार्स वर्सेस स्पीड ब्रेकर्स। तो गाइस यहाँ पे मैं बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स लगा चुका हूँ, क्योंकि आपको पता है एक भी स्पीड ब्रेकर जहाँ पे रास्ता पे रहता है और वो गाड़ी बहुत स्पीड में अगर उसको पार करता है तो गाड़ी में बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। तो गाइस यहाँ पर मैं लेके आया हूँ दो लेवल। लेवल वन में आप देख सकते हो कि एक जगह स्पीड ब्रेकर बहुत ही ज्यादा गैप गैप में है, वो लेवल वन है, और एक अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो बहुत सारे स्पीड ब्रेकर साथ में लगे हैं, बट एक बड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर भी है। तो गाइस ये सब हम लोग देखेंगे कि क्या इंडियन कार्स हम लोग का जो सेफ्टी देते हैं, क्या वो एक्चुअल में इतना ज्यादा सेफ है इंडियन रास्तों पे या फिर नहीं। गाइस आप सभी को पता है इंडियन कार्स या तो टाटा नैनो हो जाए या फिर स्विफ्ट हो जाए, हम लोग का जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे बम्पर्स वगैरह हमें रास्ते पे और ख़राब रास्ता मिलता है। बट जो सुपर कार्स होते हैं बाहर में, वहाँ पे उनका रास्ता बहुत अच्छा होता है, जिसके वजह से उनका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत कम होता है। तो गाइस लेट्स सी, आपको मैंने एक एग्जांपल तो दिया ही था कि लेवल वन लेवल टू का क्या है था, पर लेट्स सी गाइस ये सुपर कार को अगर मैं लेवल वन पे लेके जाता हूँ फुल स्पीड पर तो क्या ये कैसे बिहेव करता है। तो गाइस थोड़ा साउंड का मजा लो। सो गाइस हियर वी गो फॉर लेवल वन, और बस स्पीड ब्रेकर गाड़ी छूते ही फर्स्ट वाला ये इतना ऊपर उड़ा कि भाई आधा गाड़ी तो हवा में ही खत्म है। ओ मेरा चक्का भिनभिनाने लग गया, बहुत बुरा लग रहा है गाइस, इतना महंगा गाड़ी है भाई। आराम से मत लाना भाई, कोई इंडिया में ऐसा गाड़ी लेके मत आना, अगर स्पीड में होगा रास्ते में लुढ़क जाएगा ये गाड़ी, चक्का तो पूरा गया। तो गाइस ये लेवल वन में इतना बुरा हो गया, तो लेवल टू में क्या होगा ये गाड़ी का, तो लेट्स फाइंड आउट गाइस। ओके गाइस हियर वी गो। गाइस देख रहे हो इतना सुंदर, इतना महंगा गाड़ी होगा ये, और अगर कोई इसको इतना स्पीड में चला रहा है, सोचो हाईवे, सोचो इंडियन हाईवे में एकदम स्पीड में चला रहा हूँ मैं अपना सुंदर सा गाड़ी, इतना पूरा साउंड करते हुए जा रहा हूँ और देखता हूँ आगे पूरा गड्ढा ही गड्ढा, पर यहाँ पर लेवल टू का स्पीड ब्रेकर्स है। ओके गाड़ी को अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी हवा में टेक ऑफ हो गया है, बट गाड़ी टेक ऑफ हुआ है तो लैंड तो करना ही पड़ेगा। ओहो मेरा बोनट गया। ओके अभी तक कुछ नहीं, ओह मेरा पिछवाड़ा गया गाड़ी का, बट अभी तो मेरा 5 करोड़ का गाड़ी हवा में दो गुलाटी मार रहा है। सोचो गाइस 5 करोड़ का गाड़ी आपका हवा में गुलाटी मारेगा, आपको कैसा लगेगा, क्या क्या गाड़ी बन गया ये, क्या गाड़ी लेके आया था, पर कुछ नहीं कर सकते गाइस। मेरा 4-5 करोड़ का गाड़ी अब क्या होगा, 4-5 करोड़ का गाड़ी मेरा टाटा नैनो बन गया। इतना लंबा चौड़ा गाड़ी लेके आया था, बट ये तो एक टाटा नैनो बन गया, डब्बा गाड़ी बन गया। तो गाइस यही था हम लोग का ये सुपर कार जिसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। बट गाइस हम लोग टाटा नैनो का बात कर ही रहे थे, तो चलो इसको भी हम लोग चला के देख ही लेते हैं कि ये लेवल वन में कैसा काम करता है, क्या इंडियन कार जो हम लोग को ग्राउंड क्लियरेंस इतना अच्छा देते हैं और टाटा नैनो, क्या ये डब्बा गाड़ी कितना हमें सेफ्टी देगा। तो गाइस लेट्स फाइंड आउट नाउ इन लेवल वन। तो गाइस गाड़ी उड़ चुका है, गाड़ी पलट चुका है, गाड़ी हवा में ऊपर उड़ने के लिए रेडी है। एक चक्का देख रहे हो गाइस, लेफ्ट वाला निकल चुका है गया, गाड़ी डब्बा बन जाएगा, और गाड़ी ऑलरेडी डब्बा है, एक चक्का गया। ओके आदमी अभी तक तो लुढ़क गया होगा। ओके दो द फर्नीचर अभी भी बहुत तगड़े है, ठीक है उतना ज़्यादा टूटा नहीं है, बट गाड़ी का चक्का उक्का उड़ गया है, ठीक है वो सुपर कार से तो अच्छा था। बट गाइस लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन लेवल टू। तो गाइस यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग लेवल टू के लिए, वो टाटा नैनो, ओहो टाटा नैनो टेक ऑफ कर लिया है, ओ नाइस अभी तक अच्छा चल रहा है। ओ अभी लगा बहुत बड़ा जब बम्पर आया तब गाइस इसको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, ओच आउच आउच आउच, तब भी गाइस उतना ज्यादा डैमेज हमें देखने को नहीं मिला टाटा नैनो में। आगे में आप देख सकते हो इतना हुआ, बट बहुत ज्यादा बॉडी इसका बचा हुआ है इन कंपैरिजन टू दैट स्पोर्ट्स कार, राइट। तो गाइस टाटा नैनो तो इतना था। गाइस हम लोग अभी देखते हैं जो बहुत ज्यादा हम लोग के यहाँ चलता है, मारुति सुजुकी स्विफ्ट। सो गाइस ये गाड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छा हम लोग को सब कुछ देता है, और इसका रोड क्लियरेंस भी बहुत ज्यादा अच्छा है। पर गाइस मैंने एक चीज इसमें नोटिस किया है कि यहाँ पर इंडियन कार्स का जो स्पीड होता है वो कम होता है, इसलिए टाटा नैनो का भी जो स्पीड था वो बहुत कम था, और ये स्विफ्ट का भी स्पीड मैं देख रहा हूँ उतना ज्यादा है नहीं, पर भी हम लोग देखते हैं 80-85 का स्पीड में लेवल वन पे क्या करता है स्विफ्ट। ओहो 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 ये क्या गाइस देख रहे हो, इसका देखो
सस्पेंशन चक्का का देखो, इसके कुछ कुछ पता ही चल रहा है इसको तो, मतलब जो इधर उधर क्रैश कर रहा है वो पटी है। अरे भाई बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा गाइस, मतलब इतना देर तक और बहुत कम ही ज्यादा डैमेज हुआ। ये तो आराम से कूद कूद के, लग रहा है कि इसका खिलौना है, ये तो आराम से जा रहा है। तो गाइस लेवल वन तो ये इजी से क्लियर कर दिया भाई अपने इंडियन कार, मतलब बात है यार इंडियन कार्स में तो। गाइस लेवल वन में तो ऐसा था, बट लेवल टू इज हार्ड, ठीक है ना, उसमें बड़े बड़े बम्पर्स है। तो गाइस लेट्स सी कि लेवल टू में क्या होता है। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं लेवल टू के लिए, एंड हियर वी गो फॉर लेवल टू। और ओह बहुत ही अच्छा, बट यहाँ पे मेरा स्विफ्ट पलटी खाते हुए, और यहाँ पे ओ आउच आउच आउच, बट यार ये आधा पचक चुका है, जहाँ पे आदमी ड्राइव करता है वहाँ पे आदमी नहीं बचने वाला। तब भी गाइस बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ, अच्छा खासा डैमेज, बट ऑफकोर्स लेवल टू था, लेवल टू के हिसाब से तब भी बहुत कम ही डैमेज है, और लेवल वन में तो बहुत अच्छा किया स्विफ्ट डिजायर या फिर स्विफ्ट VXI जो है। तो गाइस ये सब तो अच्छा, बट लेट्स ट्राई, अगर हम लोग के यहाँ कोई अच्छा सा बस जा रहा है जहाँ पे पब्लिक बस होता है या फिर स्कूल बस हो रहा है, वो सब भी अगर जाते हैं तो कैसे वो लोग रिएक्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो कि ये स्कूल बस भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। हम लोग लेवल वन पे जाकर देखते हैं कि कैसे ये करता है, अगर लेवल वन पे अगर स्पीड ब्रेकर इतने सारे आ जाते हैं रास्ते पे और ये पूरा स्पीड में रहता है। तो गाइस हियर वी गो फॉर लेवल वन। वाह अरे वाह अरे वाह, कुछ हुआ, कुछ रास्ता में कुछ आया क्या, बस क्या भाई साहब, इसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसके लिए तो नॉर्मल चीज है। ऐसा लग रहा है कि ओ तुम लोग पीछे बैठो, ये सब स्पीड ब्रेकर मेरे लिए कुछ नहीं है। कुछ करते करते सारा स्पीड ब्रेकर को बस ने क्रॉस कर दिया। आप लोग गाइस चक्का को देखो, इतना अच्छा सस्पेंशन लगा हुआ है कि यार क्या मैं इतना 5 करोड़ रुपया दे रहा हूँ और मुझे ऐसा गंदा क्वालिटी मिल रहा है, और मैं गाड़ी से लेवल टू पे बस पे जा रहा हूँ 5 रुपया दे के, और ये देखो गाइस ऐसा लग रहा है कि मैं सीधा स्मूथ रास्ता में चला रहा हूँ। मैं 10 रुपया दे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाके कहीं ट्रैवल कर लूँ और एक स्विफ्ट गाड़ी खरीद लूँ, सबसे अच्छा तो यही है ना गाइस। क्यों खरीदते हो इतना महंगा 5-10 करोड़ का गाड़ी, जब आप पब्लिक बस में बैठ के आराम से घूम सकते हो, और वो भी आपका सेफ्टी देख रहे हो, सेफ्टी का अलग लेवल पे सेफ्टी है आपका कुछ भी नहीं भाई, बस क्या है भाई, ठोक दो बस को, जानबूझ के मैंने ठोक दिया भाई कुछ को। तो गाइस दिस इज व्हाट द चैलेंज वाज, बहुत ही अच्छा इंडियन कार्स ने किया। बट सुपर कार्स का ये भी है कि वो लोग बहुत ज़्यादा फास्ट थे और ये सब स्लो थे, तो ये भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि वो सुपर कार्स का जो फास्ट इतने ज़्यादा स्पीड में जाते हैं और ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत कम होता है, बट सुपर कार में मज़ा आता है यार, क्यों नहीं। बट गाइज ये सब क्रैश भी देख के सुपर कार्स में ही मज़ा आता है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है उतना ज़्यादा हमें पसंद आता है ना। ऑफकोर्स गेम असलियत में तो डंडे पड़ेंगे, पता नहीं आप जो बैठा रहेगा गाड़ी में वो बचेगा भी कि नहीं। तो गाइस फर्स्ट चैलेंज के साथ यही था, और मैं अपना वीडियो आज का यहीं खत्म करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगता है तो डिसलाइक कर देना, और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। तो ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज और चैलेंजेस मैं लेकर आऊँगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एक अच्छी चैलेंज और अच्छी वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय।